अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन हम थोड़े परेशान हैं बस गर्मी से। वो क्यों? वो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे मेरे पीछे लाइट का इशू हो रहा है, मैं थोड़ा सा यहाँ से साइड पे हो जाऊँ। अच्छी अब हो जाएगी आराम से बात। वो ये है कि गर्मी आज पर आजकल पड़ रही है शदीद किस्म की यहाँ पे। सबसे पहले तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें आज ज़रूर। जो जो मेरी वीडियो को वॉच करेगा, मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे और फिर उसके बाद बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन रखे ताकि आप लोग मेरी हर वीडियो से अपडेटेड रहें। मेरे रूम में ज़रा टेम्परेचर सही होता है, वहाँ जो है थोड़ी हीट ज़्यादा है, जो किचन करीब है इसलिए थोड़ा यहाँ आ जाती हूँ। बाकी ये है कि जी गर्मी, मगरिब की अज़ान हो चुकी है और ये है कि आज के व्लॉग का करते हैं आगाज़। और आज हम क्या करने जा रहे हैं, आज मैंने कुछ अच्छी सी रेसिपी बनानी थी और उसके लिए मैंने दाऊद को बुलाया था अपने पास, लेकिन दाऊद नहीं आया और वो चीज़ काम मेरा शायद आज पेंडिंग चला जाएगा। अब हम देखते हैं कि आज हम क्या कर रहे हैं। डेली जो रूटीन लाइफ है वही आप लोगों के साथ इंशाल्लाह आज शेयर होगी हमारी। बाकी ये है कि बड़ा अच्छा लगा आज बहन भाइयों को, मैं बड़े दो तीन दिन से बड़ा मिस कर रही थी। हम बहन भाइयों का ग्रुप है और उसमें भी इतनी खामोशी छाई हुई थी क्योंकि मेरे बहन भाई सब घूम घाम के आए थे, थके हुए थे। भाभी की कॉल आई दो दिन पहले, मोइस की कॉल आई, मोइस से बात की, बहुत अच्छा लगा, बड़ा एक माइंड फ्रेश हुआ। अभी भाभी से बात हुई, बहुत अच्छा लगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत एहसान है, बहुत एहसान है। मेरी भाभियाँ बहुत अच्छी हैं, मेरे भाई बहुत अच्छे हैं, मेरी भाभियाँ भी बहुत अच्छी हैं। हमारे साथ हो गए आज दो मसले शदीद किस्म के, बहुत बुरे। आप देख रहे होंगे मैंने कुछ कंटेंट आज इस तरह का इंटरेस्टिंग नहीं बनाया क्योंकि तबीयत होगी शदीद किस्म की मेरी ख़राब। अब बज रहे हैं शायद 10:30 हो रहे हैं और मेरी तबीयत इतनी शदीद ख़राब हो गई कि मैं सो गई। मेरा बीपी बिल्कुल लो हो गया। अब वो गनूदगी हो जाती है ना बीपी लो में, आपको सेम मेरे साथ यही हुआ। एक्चुअली यहाँ पे शदीद गर्मी है आज, कल भी थी लेकिन आज तो कुछ ज़्यादा ही शदीद गर्मी है, जिसकी वजह से तबीयत मेरी 4-5 दिन से बहुत शदीद हुई हुई है ख़राब। लेकिन ये कि हम उसको नॉर्मल लेते हैं, नहीं सोचते कि जी डेली रूटीन है, होता है ऐसा, बीपी लो हो गया, पानी नहीं पी रहे, ख्याल कर लेते हैं थोड़ा बहुत अपने आप को। ये कि बिल्कुल इंसान बिठाता नहीं है कि चलता फिरता इंसान ज़्यादा सही रहता है। दूसरा मसला जो हुआ वो ये हुआ कि अम्मी के रूम का पंखा हो गया ख़राब। अब आप ये कह रहे होंगे कि ये क्या, कभी इनके रूम का पंखा ख़राब हो जाता है, कभी इनकी सासू माँ के कमरे का पंखा ख़राब हो जाता है, बस ऐसे ही हो रहा है। अब गर्मी का अंदाज़ा लगा रहे हैं कि कैपेसिटर जो है वो जवाब दे जाते हैं। तो अब अम्मी के रूम का जो फ़ैन है वो हो गया है ख़राब। अभी जो हैं अभी जाएँगे और उसको सही करेंगे, बेचारे गर्मी में अब चल तो रहा है लेकिन इसका कैपेसिटर जो है ना आई थिंक वो जवाब दे गया है। मैं दिखाऊँ आपको, ये देखें वो रहा उनका फ़ैन जो अब जवाब दे गया है, जिसकी वजह से वो डिस्टर्ब थी। मेरी सास जो है वो चारपाई पे सोती हैं, ये इनका रूम है, इस रूम में हम बहुत कम आते हैं, ये बहुत बड़ा है, यहाँ भी सारी चीज़ें होती हैं हमारी। तो बस ये है कि अब इसको ठीक करेंगे। मैं सो गई थी क्योंकि तब बिल्कुल ही बीपी एकदम बिल्कुल ही लो हो गया था। अब उठ के थोड़ा खाना वाना खाया, हस्बैंड बेचारे वो लेकर आए हैं पेडिट्रॉल पानी कि पियो, पानी की कमी हो रही है जिसकी वजह से इतनी वीकनेस हो रही है, डिहाइड्रेशन हो रही है, गर्मी बहुत ज़्यादा। कराची वालों ने तो गर्मी में सर्दियाँ इंजॉय की हैं एक महीना, यहाँ पर बहुत वर्स्ट है वेदर, बहुत मस्त है। किसी दिन बैठ के ना कराची और लाहौर का ना मैं अपने हस्बैंड के साथ और कराची लाहौर वाले ना मुनाजरा करेंगे पूरा, कि कराची की हम बताएंगे खूबियाँ और लाहौर की हम बताएंगे खूबियाँ। तो मैं गिनवा सकती हूँ कि हमारा जो कराची है ना वो बेस्ट एंड बेस्ट है। वो कहते हैं ना लाहौर लाहौर है मगर कराची उसका शौहर है, जितना बड़ा कहते हैं लाहौर है उतना हमारा गुलिस्तान जौहर है। अब जी मैं अपनी वीडियो
उसको एडिट करा रही हूँ अपने हस्बैंड के साथ बैठ के। तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी आहिस्ता आहिस्ता। अम्मी के रूम का पंखा अभी ने सही कर दिया था, और इंशाल्लाह कल हिम्मत हुई, तबीयत इंशाल्लाह इंशाल्लाह ठीक हुई, कल मुलाकात होगी।